नसरुल्ला गनज मध्य प्रदेश सरकार की किसान ऋण माफी योजना के अंतर्गत किसानों को ऋण माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं, जिसमें तहसील नसरुल्ला गनज के आधा दर्जन ग्राम में जय किसान फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत किसानों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसी संदर्भ में ग्राम पंचायत निमोटा में पूर्व शिक्षा मंत्री राजकुमार पटेल द्वारा किसानों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम का शुभारम्भ जय जय कमलनाथ के नारे से किया गया। नसरुल्ला गनज संवाददाता पवन माहेश्वरी। जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो काला धन वापस आएगा और हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। खाते खुलवा लिए, लाइन लगवा ली, लेकिन हमको कुछ मिला नहीं। तो कांग्रेस जो कहती है वो करते हैं। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है, बढ़ेगा। कन्यादान की राशि 51,000। भाई साहब, क्षेत्र में ये ऋण माफी की जो चल रही है, देखिए कितने ग्राम को बुद्धि विधानसभा क्षेत्र में लगभग 80,000 किसानों का ऋण माफ हुआ है, और जिसकी अगर टोटल हम राशि को जोड़ेंगे तो लगभग 250 से 260 करोड़ के आसपास इसकी राशि है। किसानों की संख्या उसमें लगभग 80,000 किसान इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। आज हमने 6 संस्थाओं के किसान सम्मान पत्रों का वितरण किया है, और इनको इसके बाद लगातार इसको चरणबद्ध करके पूरे बुधनी विधानसभा में 2 तारीख तक सारे के सारे प्रमाण पत्र किसानों को बांट दिए जाएंगे। ठीक है। और आज यहाँ पर एक केक कटिंग सेरेमनी भी हो रही है। मोहन शर्मा जी का जन्मदिन है और ये ऐतिहासिक जन्मदिन आज उनका मन रहा है। मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली बजाकर हम लोग मोहन शर्मा जी को भी दें, और सब लोग हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मोहन भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर मोहन भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। जितने साथी कांग्रेस के यहाँ पर बैठे हैं, हम भले जाकर भोपाल में कुछ भी करना पड़े, लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा करते थे, अभी मैंने देखा कर्जा माफी हो रहा, सबसे ज्यादा तकलीफ हुई भारतीय जनता पार्टी को। शिवराज जी कह रहे थे कैसे कर्जा माफ होगा, अगर कर्जा माफ नहीं करेंगे तो देख लेंगे। तो कमलनाथ जी ने जवाब दिया कि भाई तुम चुपचाप बैठो, जब देश मध्य प्रदेश का किसान खड़े होकर कहेगा कि हमारा होगा तब तो तुम मानोगे। आज ये प्रमाण पत्र हम दे रहे हैं, जाके बता देना मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, भैया वो कर्जा माफ करके कांग्रेस ही चले गए, तुम तो कुछ करके नहीं गए। भ्रष्टाचार के अलावा शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश में कुछ नहीं किया, केवल उन्होंने अपने चमचों को पाला। भैया बुरा मत मानना, हाँ अपने गांव में बहुत है। अरे खैर बोलना नहीं चाहिए, अब तो चुनाव खत्म हो गए, हाँ चुनाव गए, बात चली गई, अपने ही साथी हैं वो लोग भी। लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि बुरे काम का, मैं तो चुनाव में भी कहता था मामा तो कियो, मैं कह रहा था तुम लोग मान ही नहीं रहे थे। मैं अभी फिर कह रहा हूँ कि मैंने नारा दिया था मामा तो कियो, और अब देखना नरेंद्र मोदी भी जा रहा है और जाके रहेगा, और अब हमारे राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। मोहन शर्मा जी का आज जन्मदिन है, मैं चाहूंगा कि एक बार फिर हम